चलें अब स्टार्ट करें के जिंदा जलाली बरकत और फतमन वाले और कुदरत वाले और वाले नाम में एक बार फिर तमाम सुने वालों की सलामती हो मेरे जो आइयेगा अपनी आंखों को बड़े अदब और एहतराम के साथ आज रात बंद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि कर जिसने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर जमा होकर उसके नाम की मदद सही करें और मैं कहूंगा कि शुरू की दुआ पास्टर कमर साहब करेंगे और फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे खुदा को सीखेंगे अपने सरों को जिताएस <clears throat> आप यीशु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ये तूने हमें मौका फ़राहम किया कि हम सब होली मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर तेरे खुदाउन तेरे कलाम को सीख सकें और तेरे खुदाउन जो भी आज हम कलाम मुक़दस में से बात करें वह अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो खुदाउन हम सबको सुनने वाले कान समझने के लिए गोश्ती दिल अताफरमा ताकि प्यारे खुदाउन तेरे कलाम को सुने उस पर अमल करें और उसको अपने दिल की गहराई में ले जाए और अमल करके हम सब सौ गुना से ज्यादा फल लाए और प्यारे खुदाउन तेरे कलाम की सच्चाइयों को आगे शेयर करने वाले बन जाए और प्यारे खुदा ये हमारी रहनमाय के लिए हो हमारे राग की रोशनी के लिए हो दर यीशु ये सब कुछ तेरे जलाली ही और बाबरकत यीशु नाम से मांगता पा लेता हूं आमीन 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 आइएगा हम सिर्फ एक स्थाई अंतरा गाएंगे आ, मैं कहूंगा कि सिस्टर मारिया से वो सिर्फ एक स्थाई अंतरा गाएंगे कोर्स का फिर हम क्लब में खुदा को सीखेंगे हालेलुया खुदा की तारीफों

chule har zindagi khalidam anvi bar haleluya 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 पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी हम भी यहां पर भी थी रू की बारिश तेरी पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी पर भी थी रू की बारिश तेरी रू की बारिश तेरी वही बारिश तो कर वही जुम्बेश तो कर छूले हर जिंदगी

मेरे सो आइएगा बाकायदा हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं जैसा कि आप सभी बखूबी जानते हैं हमारा जो आज का मौजू जो आज का टॉपिक जेर बहस होगा वो है ईद पैदरी कोर्स सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि पुराने अहदनामे में ईद पैदे को किस तरह मनाया जाता था या किस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता था तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा सीनियर पास्टर सदीक साहब से वो आएंगे और अपने ख्याल का इजहार करेंगे सवाल दोबारा दोहराइएगा सवाल क्या आज का हेलो मेरी आवाज आ रही जी जी सवाल ये है कि पुराने ऐहदनामा में ईद पैंती कोस्त किस तरह से मनाई जाती थी या पुराने ऐहदनामा में ईद पैंती कोस्त की क्या अहमियत है ये सवाल है ठीक थैंक यू जी आइए आज हम इस बात को सीखेंगे ईदे पैंती या पैंती है क्या अगर हम बाइबल की स्टडी करें तो पुराने में हमें मिलती है एक बात से कि खुदा ने आजम को बना करके बागम में रखा और कला में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम से बातें किया करता था आदम से जिसम रूह और जान से तखलीक किया गया तीन चीजों से रू सॉरी बदन रूह और जान से तखलीक किया गया और ये कि जब उसने नेकोबत की पहचान के दरख्त का फल खाया तो रू उससे जाती रही थोड़ा तो मेरी क्या है खुदा ने आदम को मना किया था कि तू बाकी सारे दरतों को का फल खा सकता है लेकिन नेकोबत के दरख्त की, की पहचान का पहचान का दरख्त जो उसका फल ना खाना जब इसको इस फल को खाए जा खा जाएगा खाएगा खा या खा जाएगा तो तू मर जाएगा लेकिन वो हकीकत में मरा नहीं है तौर तो पर वो मरा नहीं है लेकिन रूहानी तौर तो पर वो मर गया था यानी उससे रूह जो थी जिससे खुदा बातें करता था वो उससे जुदा हो गई थी अब वो रूह से खाली हो गया था क्योंकि खुदा इंसानी रूह से जो है वो बातें नहीं करता खुदा अपना रू पर डालता है और फिर उससे बातें करता है और वो रूह आदम से जुदा हो गई और खुदा ने उससे बात करना छोड़ दी जब खुदा का रूह से जुदा हो गया तो खुदा ने उससे बात करना छोड़ दी और उसको बल्कि गुनाह के सबब से उसको दिन से निकाल दिया गया और का पहरा लगा दिया गया कि आदम दोबारा इस बाग में ना आए <coughs> और खुदा जिस रूह से बातें करता था वो रू अब्राहम से जुदा हो चुकी थी और अब उसकी अपनी रूह थी खुदा का रूह उस पर नहीं था और अगर हम आगे जाकर इसको और ज्यादा इसकी गहराई में जाए तो लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो इसलिए उस पर था कि खुदा उससे बातें कर सके खुदा कभी भी कुनाल रुदा जिंदगी से बात नहीं करता क्योंकि खुदा खुद रूह है और इसलिए उससे बात करने के लिए आपको और उस उसे आपसे बात करने के लिए दरकार है क्योंकि रू रू ही से बातें करता है वो जिसम से नहीं क्योंकि आदम के पास से रूह जुदा हो चुका था आदम के गुनाह किस बाब से अब रू दस्याब नहीं था इसलिए खुदा ने उससे बात करना छोड़ दी अगर खुदा किसी से बात करत, करना चाहता था तो उसे अपना उसे उसे उस पार् अपना रू अंडेलता था और फिर उससे बातें करता था अगर हम पुराने नामा में गिनती की किताब के अंदर देखें गिनती ग्यारह बाब की सोलह से सत्रह आयत में कलम लिखे खुदावन ने मूक्सा से कहा कि बनी सिल के बुजुर्गों में से बुजुर्गों में सत्तर मर्द जिनके जिनको तू चाहता है अपनी कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं मेरे खजूर जमा कर और उनको खैमा एजमा के पास लेकर आना कि मैं कि वो तेरे साथ वहां खड़े रहें और मैं उतर कर वहां तेरे साथ बातें करूंगा और मैं उस रू में से जो तुझ पर पर है कुछ लेकर उन पर डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए ताकि तू उसे अकेला ना उठाए यानी खुदा ने जो मूसा को रू दिया था उस रूह में से खुदा ने उन सत्तर पर डाला ताकि वो मूसा के साथ खड़े होकर कौम का बोझ उठा सके और खुदा उनसे बातें कर सके खुदा उनको सिखा सके जैसा कि इस हवाले से वाज आए कि मूसा में रूह थी और वो रू रू उसे रू उसे दिया गया था यहां दो बातों की निशानदेही करना जरूरी है पहले ये कि रू इसमें ना थी बल्कि उस पर थी जब कोई चीज आप में होती है तो वो आप से अलग नहीं हो सकती दूसरी कि हकीकत है कि पर खुदा का रूह था इसलिए नहीं थी इसलिए नहीं था कि इस उसने खुद फैसला किया वो ये रूह हासिल करे तहता के अगर उसने फैसला किया भी होता कि वो रूह हासिल करे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इसे मिल जाएगा क्योंकि रूह दस्तियाब ना था दरअसल ये खुदा ही था जिसने फैसला किया कि वह अपना रूह मूसा पर डाले ना कि कोई और बल्कि इसी तरह से उन सत्तर बुजुर्गों के लिए भी हकीक की बात थी खुदा का रू उन पर था इसलिए नहीं के उन्होंने रूह को हासिल करने का फैसला किया बल्कि इसलिए कि खुदा उनके साथ बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए उन पर रूह डालने का फैसला करता है यानी कि खुदा को जब किसे बात करनी होती थी तो अपना रूह उस पर डालता था अगर हम इसके किताब में पढ़कर देखें तो वहां पर बार बार ये बात लिखी है कि खुदा का रूह मुझ पर नासिल हुआ और ने खुदा ने मुझसे कहा खुदा ने मुझसे फरमाया भी ये बात करता है कि खुदा का रूह मुझ पर था और खुदा ने मुझसे कलाम किया या खुदा ने मुझे फरमाया और इसके तो कहता है इसके तो कहता है कि खुदा का रूह मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर हड्डियों का एक मैदान है जो हड्डियों से पूरा है उसके से, ए, ए, स्केल की किताब उसका सैंतीस से बाब के अंदर लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि पुराने पुरानेकनामा में खुदा ने जब किसी से बात करनी होती थी तो उस पर अपना रू नासल करता था खुदा अपने रूह से होकर के उससे बात किया करता था खुदा ही का रूज पर होता था जो उसे गाइड करता था उसे समझाता था अदरवाइज इंसानी जिसम खुदा की आवाज को ना तो पहचान ही सकता है और ना ही जान ही सकता है और ना ही खुदा से बात कर सकता है खुदा अगर हम की किताब तीन बाप के अंदर देखे तो तीन बाप की नौ और दस आयत में लिखा है कि बनी सेल को रिहाई दिलाने के लिए खुदा ने कालब के छोटे भाई किंस के बेटे को लिया और उस पर अपना रू डाला ताकि वो काजी बने और वो को छुड़ाए और इसी तरह अगर हम बाइबल में देखें तो इसी गिनती की किताबी में छह बाबिस और चौतीस आयत में लिखा है कि मध्यानी और अमाली की और अहले मश इकट्ठे हुए और पार होकर ज़ज़रियल की वादी में उन्होंने डेरा किया तब रूह ज़दाउन पर नाजल हुई फूका और अबीजर के लोग और उसकी अबीजर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए यानी खुदा जब गियल से या जदाउन से जब बात करता है तो सबसे पहले अपना रूह उन पर डालता है रूह नाजल करता है ताकि खुदा उस रू से बात कर सके और जब आदम से रू जुदा हो गया तो खुदा ने उसको बागे अदम से बाहर निकाल दिया और फिर खुदा ने आदम से उस तौर से बात नहीं की जिस तौर से खुदा उससे बातें किया करता था इसीलिए में बहुत जगह पर बारह में ये सीखने को मिलता है कि खुदा जब जिसाया से बात करता है या अल्शा से बात करता है एलिया से बात करता है तो सबसे पहले अपना रूह उन पर नाजिल करता है रूह ढेलता है सेमुल से जब बात करता है तो खुदा अपना उस पर ढेलता है और फिर उससे बातें करता है फिर उसको गाइडनेस देता है, फिर उसको बताता है फिर उससे गाइड करता है कि तूने करना क्या है और पुराने आनामे में हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है कि ये ईद तो नहीं मनाई जाती थी इस तरह से लेकिन खुदा का पाकर जब खुदा किससे बात करना चाहता था खुदा किस से काम लेना चाहता था खुदा किसी का चुनाव करना चाहता था खुदा किसी को अपने लिए अपने छलाल के लिए आगे लेकर आना चाहता था तो पहले अपना रूह उस पर नाजल करता था सेम खुदा ने मूसा को झाड़ी में दिखाई देकर अपना आप उस पर जाहिर किया ताकि मूसा जान सके और ये बात उसे कही कि यहाँ तो खड़ा है ये जगह पाक है अपनी जूती पीछे पुराने नामों में बहुत सारी ऐसी बातें हमें मिलती हैं जो हमें इस बात को सिखाती हैं कि बगैर रूह के खुदा का किसी से बात करना नामुमकिन बात थी खुदा किसी इंसानी सोच से इंसानी ख्याल से बातें नहीं करता है बल्कि जिससे बात करता है उस पर अपने रूह को नासिल करता है ताकि वो भेदों को जान सके ताकि वो खुदा की बात को जान सके और, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हमें बाइबल में सीखने को मिलती है खुदा के पाथरु से और यही पाकरू नया द्रमा में जाकर 120 की जमात पर नाजिल होता है ये नेक्स्ट सवाल है और इसको नेक्स्ट में करेंगे लेकिन यहां पर मैं यही बात कहना चाहता हूं कि खुदा इंसान से बात करने के लिए उस पर अपना रू नासिल करता है क्योंकि इंसान अपनी सोच से अपनी अक्ल से अपने दिमाग से अपने जोर से अपनी कुओं से ना खुदा को जान सकता है ना खुदा को खुदा से बात कर सकता है और ना ही खुदा के सामने वो ठहर सकता है और इसलिए खुदा सबसे पहले जिससे खुदा ने बात करनी होती थी जिससे खुदा ने इस्तेमाल करना होता था जिसका खुदा चुनाव करता था उस पर अपनी रूह को नासिल करता था ताकि खुदा से बात कर सके। खुदा आज इस टॉपिक के वसीला से हमें और ज्यादा सीखने को सीखने का मौका देता है कि हम दूसरे खादमी से भी सीखकर बरकत को हासिल कर सके मुसी के नाम में अमीन आमीन 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 बड़ा अच्छा पैसा बाप ने बताया लेकिन मैं मुख्तर तीन से चार लाइन में इसको शॉर्टकट कर बयान करना चाहता हूँ ताकि कर सकूँ मैं इससे पहले कि आप सभी जितने भी हमारे साथ हैं हमारे लिए काबिल तो कैंडली दो से तीन मिनट में अपनी बात को के कवर करें ताकि जितने भी खुदा के हमारे साथ शामिल हैं उनके भी मौका मिल सके ताकि वो भी अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें तो मैं बताना चाहता हूँ कि पैंतीकोस बनी सराइली जो थी ये तीन ईदें तीन ईदें मनाती थी जिसमें से एक ईद शरीत के दिए जाने की याद में मनाई जाती थी और इसका जो लुगवी मतलब है वो है पचासवा एद, पचास यह मर्दों पर ये लाजिम था और कि ये इस मौका पर ईद फसा मनाने आए तो ये उसके बाद ये जो ईद है ये जो ईद पैंतृ को तब सेलिब्रेट किया जाता था हाँ। और तो ये यहूदी मर्दों पर हाँ लाजम था और ये उस वक्त होती थी कि जब ये मौसम जब ये चेंज होता ये जादा जादा है ये ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ये इस ईद में शामिल हों और मैं बताऊं कि ये जो रूहुल कुद्स है जब ये खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया तो ये पानी की सतह पे यह जुम्बश करता था रूह था पर साहब ने बताना चाहता हूँ कि जो रूह जो था ये महदूद मुद्दत के लिए अम्बिया अकबर और अम्बिया असगर पर आता अपना काम करता और फिर वापस चला जाता जैसे आप कह लें सऊल जो था जब उसके जब बालों में जो ताकत थी जब उसके बाल मंडवा लिए गए तो जब उसको पोलों के साथ जो खम्भों के साथ बांध दिया गया तो वो कहता है कि खुदा मुझे एक बार फिर वह कुत दे वह कुत आई कहा रूस के अंदर आया उसने फिर से काम किया महदूद मुद्दत के लिए और फिर चला गया कंडीशन थी, थी जिस कंडीशन के मुताबिक वो रू आता था अब जब सौ पर जब बुरी रू आई तो अब जब दौड़ जब वो साउंड प्ले करता जब कुछ ना कुछ प्ले करके बजाता है तो रू आता उसको सुकून मिलता जब रूह चला जाता फिर उसकी वही कंडीशन हो जाती थी इस तरह से था अब मैं कहूँगा कि खुदा के खादिम पास्टर कमर साहब से वो महदूद टाइम में करें फिर खुदा के खादिम हमारे साथ हैं हम पास्टर फैज साहब उनसे भी सीखेंगे और उसके बाद सिस्टर मारिया से कहूँगा और उसके बाद आंटी जी और फिर दूसरी आंटी जी से कहूंगा महदूद मदर के लिए सभी उसको एक्सप्लेन करें ताकि हम अगले सवाल की जर्नी बढ़ सके फास्टर कमर साहब जी जो इधे पेंतकोस्त है इसको पचासवा दिन पचासवें दिन को जाहिर करता है ये ईद जो थी ये हफ्तों की ईद कहलाती थी, थी अगर हम खरूज चौतीस बाब उसकी बाईसवीं याद पढ़े तो वहां लिखा है कि हूं तो एक बार फिर हवाला सुने खरूद चौतीस बाप उसकी बाईसवीं आता है तो उसमें हम देखते हैं कि मुकदस के मुताबिक हमें क्या जो है वो हुक्म मिलता है तो और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल काटने की ईद मनाना करना ये बनी इसराइल को हुक्म था कि जब फसल जो काटनी होती थी पहली फसल पहले फलों फलों की फसल को काटना होता था तो उस वक्त जब आप हंसवा रखें तो गिन लेना और ये सात हफ्ते गिनना और ये पचास दिन बनते हैं तो पचास दिन इसको जो है वो इधर पैतोस्त नए आदनामा में और पुराने आदनामा में जो है वो पचास दिनों के बाद जो फसल काटने की ईद होती थी उसको मनाने का हुक्म था तो फिर हम जब इस में देखते हैं तो वहाँ इसी आयत की जो है तर्जमानी की गई है अनसवा लेकर फसल काटने का काटनी शुरू करने से जो है वो उस वक्त से गिन लेना और पचास दिन के बाद जो दिन होता था वो जो खुशी मनाते थे तो इसी तरह जो है वो अगर हम खरूज तेईस बाप सोलह में हम जब पढ़ते हैं वहाँ भी इसका फसा की ईद के बाद पचासवें दिन के बाद आती थी और ये जो खरूज सोलह है इसमें ये ही कहा गया है कि तुम ईद को मनाना फिर ये मैं पढ़ता हूँ ये जो ये बनी इसराइल तीन ईदें मनाती थी ये दूसरी दूसरी ईद थी और जब ती, तेरे खेत में जैसे तूने मेहनत से खोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मनाना ये मूसा की शरीयत के मुताबिक खुदा ने जो मूसा को शरीयत दी उसमें ये उनके लिए एक हुक्म था कि तुम जब हमारे खेत जो है वो वहां तुम जाओ फसल काटने के लिए जाओ पहले फल के तो पहले फल काटने के ईद मनाना खुशी मनाना तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब हम भी अपने फलों को देखें तो हमें भी जो है वो पहले फल होने की खुशी ईद मनानी चाहिए तो जब हम पुराने ऐदनामे में अहबार की किताब वो पढ़ते हैं तेईस बाप पंद्रह सोलह आयत में वहां लिखा है कि हलाने की कुर्बानी के साथ को गिन लेना और उसके दिन तक जो है सात हफ्ते गिन, गिन कर पचास दिन पूरे करना और जब वो दिन पूरे हो जाए तो फिर वो पचासवा दिन जो है तुम्हारी खुशी के लिए हो तो हमें ये जो है मिलते हैं तो ये मार्च अप्रैल के तकरीबन दिन बनते हैं यो इसी महीने में जो की फसल काटी जाती है और इसी महीने में ही जो है खुदाम ने उनको कहा कि खुशी मनाना तो ये जो है हफ्तों की ईद है और नए अदनामा में इसे पैंती कोस्त के नाम से कहा गया है और ये इसे फसल काटने के बाद पचासवा दिन फसल जब काटी जाती है फिर उसके बाद उसे संभाल लिया जाता है फिर आजकल तो मशीनी दौर है उस वक्त मशीन का दौर नहीं था तो तकरीबन दाने जो के दाने जो है संभालने में पचास दिन लग जाते थे तो जब वो दाने गला घर में आ जाता और वो सारे कटे होते और वो जो है वो फसल काटने की ईद मनाते थे, थे ये सात हफ्तों का वक्त गुजर जाता है और खुदाऊ आपको इस कलाम पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आपने बरकत बख्शे और बाकी जो हमारे सीनियर खादम हैं उनसे भी हम सीखेंगे मारिया है सिस्टर नसरीन है इन्हीं से हम जो आगे जो है वो खुदा का कलाम इनके वसीला से भी सुनेंगे फिर मैं बाद में हम जो है वो नए यदनामा में बात करें। पर से बात करेंगे खुदाوند आपको बरकत बख्शे आमीन मैन हालेलुया प्रेज द अब मैं दावत दूंगा पास्टर यश सबको वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें हमारा सवाल है कि पुराने अहदनामे में इंडिपेंडेंट कोर्स को किस तरह मनाया जाता था

आपने बहुत अच्छा किया टाइम लिमिटेड कर दिया मुझे इसमें सहूलत मिलेगी मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता तो जो जो बात आपने की है बड़े अच्छे तरीके से पास्टर कमर साहब बयान कर रहे हैं पुराने अहदनामे नामे में से उन्होंने हवाला जा दिए हैंज में से अखबार में से मुख्तफ जो हमारी किताबें है, हैं मुकदस किताबें हैं उनमें से तो ये जो है आप सही कह रहे हैं, जब ये जब फसल काटी जाती है और उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको इकट्ठा करने के बाद जो हमें पाकलाम में इन किताबों में जिक्र मिलता है बयान मिलता है वो यही है कि उस दिन से शुरू करके फिर हम ईद मनाए और उसमें सात हफ्ते लग जाते हैं उसे फीसट ऑफ द वीक वीक्स कहते हैं हफ्तों की ईद में हफ्तों की ईद लिखा है और इसमें जो है मुख्तल ममालिक में और ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक हॉलीडे होती है और जब ये संडे से शुरू होती है और संडे तक जाती है उसको वाइट संडे भी कहते हैं और ये मूवेबल मूवेबल फीस्ट है यानी हम देखते हैं कि ईस्टर जो है हमारा उसकी फिक्स डेट नहीं है वो चांद के हिसाब से या दिनों के हिसाब से थोड़ा सा इसमें आलमगीर कलीसिया के हिसाब से बदल होता है हमारे स्टर की डेट चेंज होती है और इस तरह जो है ये सब कुछ होता है तो उसको फीस्ट ऑफ द वीक्स भी कहते हैं पब्लिक हॉलिडे होती है और इसका खरूज में और जैसा बताया गया है अहबार में गिनती में शिश्ना में सब किताबों में इसका जिक्र है और ये जी हम एक सलसल के साथ आती है हमारे पास हम जैसे ईद फसा की बात हमने की खमीरी रोटी गैर खमीरी रोटी ईद की बात की पहले फलों की बात करते हैं फिर नृसिंगे फूकने की ब, की बात है कफारा की ईद कफारा है ईद ख़्याम है इस सारी बातों को हम सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे भी तो पैंटिकोस्ट जो है जैसे आपने इसके लघवी लफ्जी मैंने बताए इसके मैंने पचास फिफ्टी डेज फिफ्टी डे और ये ईद हम कब करते हैं जब पचासवा दिन हो जाता है उसको हम ईद पैंती कोस कहते हैं और इसको वहां पर जो है हफ्तों की ईद कहा गया और सात हफ्ते बताए गए सात सात दिन करके जब फिफ्टी डे होता है तो इसको हम कहते हैं हफ्तों की ईद पैंती कोस। और इसको जब हम कैथलिक बाइबल में देखते हैं तो उसको ईद खमसिन और खमसिन फिर अरेबिक वर्ड है काउंटिंग का खमसीन के मैंने भी पचास है और फिर जब नए हरनामे में माल की किताब में देखते हैं और सॉरी इससे पहले मैं ये कह दूंगा कि जब खुदाउ यु मसी जब जी उठते हैं और जब हमने पिछले जुमे बात की पहले फलों की और फिर हमने कहा कि खुदाउद यस्ु मसी जो है जिंदा होने में पहला फल है और खुदाउद यसु मसी जब जी उठते हैं इतवार के दिन वहां से लेके जब हम पचास दिन गिनते हैं तो वहां पर जाकर पाखरू का नजूल होता है और उसे हम ईद पैंती कोस्त कहते हैं तो हम मैं इस वक्त यही कहना चाहूंगा थैंक यू आप लोग बात करें और फिर हम देखते हैं कि गैर जबान आती हैं लोग कट्ठे होते हैं दुआ कर रहे होते हैं और पाखरू नाजल होता है और उसको हम ईद पैंती कोस्त के तौर पर मनाते हैं थैंक यू एंड गॉड बियाँ अपने ख्याल का इजहार करेंगी भाई थैंक यू अः जैसा कि पादरी साहिबान ने मतलब बड़ा अच्छा इसके बारे में बयान किया है तो चूंकि हमने पढ़ा है खरूज थे इस बाब में भी और उसकी चौंतीसवीं बाब में भी इसके बारे में तो इसमें पैगाम ये था कि मतलब फसल की कटाई करते थे और उनके पास जो अनाज का जखीरा मौजूद होता था वो उसको इस्तेमाल करने के लिए वो जिंदा रहेंगे और सलामत रहेंगे ये उनके लिए खुशी की बात थी और शुक्र करते थे पहली बात कि फसल की कटाई की ईद कहा जाता था ओरिजिनली इसको ये, ये खुदा की शुक्रगुजारी करते थे और जश्न मनाते थे और जब ये तारीख आगे आगे बढ़ी है तो ये फसल की कटाई के आगे एक, एक, एक और स्टेप बन गया ईद बन गई और जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से रहा करने के बाद कोहे पर शरीयत दी और उसके साथ के साथ खुदा ने अहद बांधा तो ये फसल की कटाई की ईद के साथ साथ शरीयत के दिए जाने का जश्न भी ये बन गया ये शामिल हो गयी इसमें ये ईद और इसका मकसद मकसद ये था कि मूसा के वसीले खुदा ने शरीयत दी अहद बांधा और तीसरी बात के यहूदी एक फिरका था जिसका नाम था कुमरान कुमरान की जमात कुमरान की जो थी जमात थी कुमरान का इलाका चूंकि शहरी आबादी से बहुत दूर था रेगिस्तानी इलाका था और कुमरान बरदरी वहां पर रहते थे हिस्ट्री की बात है तो उनकी ये रवायत थी कि ईद पैंती कोस्त के मौका पर ये अपनी जमात में नए मेंबर्स शामिल करते थे और नए मेंबर्स शामिल जब करते थे अपनी जमात में शामिल करते थे तो ये ईद पैंती कोस के दिन ही करते थे तो ये इसमें इसमें मतलब तो हिस्ट्री की बात मैं ये करूंगी कि इसमें ये तीन बातें एक तो शरीयत का जब खुदा ने दी है मूसा के साथ अहद बांधा फिर फसल की कटाई की ईद मानते थे शुक्रगुजारी करते थे जैसे जैसे आगे हिस्ट्री बढ़ी यहूदियों की तो वैसे आगे फिर ये फिर का था जो, आ, ये जमात थी इन्होंने भी इसी दिन अपने जो नए मेंबर्स थे उन, उनको इस दिन शामिल किया करते थे अपनी जमात में तो आगे फिर हम आ, आगे बढ़ेंगे जैसे भाई ने भी बताया था कि ये जब रूहल कुछ नाजिल होता था तो नबियों पर काहिनों पर बादशाहों पर नाजिल होता था ईद पंथी को के बारे में जब खुदा की हजूरी तो ये स्पेशली खास लोगों पर होता था तो वही लोग सिर्फ इससे महजूज हो सकते थे थोड़े टाइम के लिए तो आगे इसके बारे में हम नए नामे में बात करेंगे तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती थी खुदा उन इस के वसीले से आपको बरकत दे जी गॉड ब्लेस यू जी सिस्टर नसीम बात करेंगी इसके फिर हम आगे बढ़ेंगे आप सिस्टर नुसरत से कहेंगे वो बात करें कि मैं बात करती हूँ जी 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 सिस्टर जी आप बात कीजिएगा थैंक यू खुदा में आप सबकी सलामती हो इससे तो पहले कि आप, आप उर्दू में बताएं ताकि सभी जो है ना वो इजीली समझ पाए ताकि वो फिर उर्दू इंग्लिश इंग्लि जो इंग्लिश सुनते हैं उनको इंग्लिश इंग्लिश में पता चलना चाहिए अच्छा Feast of Pentecost. When we talk about Pentecost, it was given a name after um, when the Greek Empire came in. Okay, so Pentecost is the word of Greek, which means a 50th. Uh, first of the uh, first of the feast was, was the Hebrew was celebrating with the week of the uh, seventh week. Uh, <coughs> So, uh, when we see uh, when God it is actually um, um, the purpose of God you know bringing uh, making his own uh, nations uh, somebody speaking on behind making of the nation so on the feast of the Pentecost the feast of the week God given the birth to the nation of Israel. Isra, it's also Isra. represent plan from, you know, bringing God from bringing them out of Egypt and bringing him to the, uh, the promised land, which is the Canaan. That's the rep representation of the feast from the Passover to the Pentecost. So brother um, brother Sadiq uh, mentioned that the God told Moses to uh, bring 70 uh, elders and then God poured on his spirit. It is the it is the, the day when the God gathered the nation of Israel and He given them a Torah, which is the, uh, the laws, and to celebrate with the God in order to uh, you know um, stay uh, in order to have affiliation with the God. So God poured on your His spirit upon to seventy people, including Moses. So they were leading the nation of Israel. So that was like the how the Hebrews were celebrating every years. You know they were it's also actually it's the beginning of the harvest and the end of the harvest so beginning of the harvest start from the passover and to end of the harvest which is bringing the first fruit start from the first passover towards the end of the the, for the week the feast of the week which is in the Pentecost. so that house they were celebrating and they were bringing a bread and they were bringing uh, the grains before the president of God they were celebrating actually they were commemorating the plan of God in the future to give in a major on the major platform to bring the nation his own nation onto the earth which was you know it's, it's the connection of the birth of the nation of israel given the law and in the connection of the church god created the assembly there on that day by giving the birth to the, uh, the uh, nation of israel and also on the feast of the pentecost when the disciple was gathered god given the birth on the major major platform for the whole world, so this is actually pouring His Spirit on them and pouring His Spirit on here. That was the, you know, the the nation of Israel. When we mentioned many many times, they were like an image of the God's plan down the road in the future to celebrate. So it is actually is the pouring Spirit of the God to have affiliation, have a fellowship with, uh, with His uh, peoples. So that's, that's all I know, and you guys all said very well and very knowledgeable. God bless you all. So let's move on to Sister Nasreen now. Thank you so much, Sister. Thank you so much. Jimmy anti-Ji. talk about this. Thank you, Hanuk, for listening in English for me. Okay, okay. Uh, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो आ, सब ने सब ने बहुत अच्छा इसमें बताया है और सबसे बड़ी बात यह कि ये मतलब पैंती गोष का लफ्ज़ जो है बेशक इस जो जो लफ्स है ये यूनानी लफ्ज़ है ये उस तरह से पुराने अहदनामा में पैंती गोष का वर्ड नहीं है लेकिन पुराने अहदनामा में इसको जो है जो हम यहूदियों की ईद की बात कर रहे हैं तो यहूदियों की जो ईद हैं उनमें से जो है ये नज़र की कुर्बानी की ईद इसको कहा जाता था और ये हम अहबार की किताब में से हम पढ़ सकते हैं कि जब वो पहले फलों की ईद के बारे में हमने बात की थी तो पहले फलों की ईद का बताया गया है कि जब तुम पूला हिलाओ तो वो जो है वो अः बारले जो है हम बारले जानते हैं कि जाओ की जो फसल है जब वो उसको काटते थे तो उसको वो खुदा उनके हजूरी में लेके आते थे तो वो एक ऑफरिंग होती थी वो पहले फलों की ईद उनकी मनाई जाती थी तो उसके लिए हुक्म जो है वो ये दिया गया था कि पहले जो पूला लाओ के गिनना से शुरू करके आपने सात सभत तक गिनना है और सातवें सभ्भत के दूसरे दिन तक यानी पचासवें दिन तक आपने फिर जो है वो नज़र की कुर्बानी जो है खुदा उनके हजूरी में लेकर आनी है तो ये हम अहबार की किताब में से हम इसमें से पढ़ते हैं अहबार की किताब में बेशक मुख्त हवाला जाते हैं इसके बारे में खरूज में भी हैं इसना में भी हैं और बहुत सारी जगहों में इन ईदों के बारे में तफसल से लिखा है लेकिन अहबार की किताब में तेईस बाब में आप पूरी ईदों की तफसी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी ईद किस किस तरह से और किस तरतीब से आती है इस तरह से वो मनाई किस तरह से मनाई जाती हैं। तो ये जो ईद है ये पुराने में जो है नज़र की कुर्बानी के तौर पर मनाई जाती थी और ये जो गंदम की कटाई का मौसम होता था फसल की कटाई का मौसम जो होता था उस दिन ये शुरू होती थी और इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता है और क्योंकि पैती जो है वो लफ्ज़ जो है वो पुराने अहदनामा में नहीं है वहां पर ये लफ्ज जो है इस ईद को जो है शाहूट के नाम से याद किया जाता है शाहूट जो है इब्रानी में जो है इस को कहा जाता है पैंती कोस की जो ईद है उसको उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और शाहूट जो है ये वही है जो हफ्तों की ईद मनाई जाती है क्योंकि ये हफ्तों तक ये मनाई जाती है ईद और क्योंकि ये फसल की कटाई का मौसम है कि जब आप गंदम की फसल की कटाई करते हैं तो उस वक्त जो है ये ईद शुरू होती है और क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है क्योंकि जो शाहबुच जो ईद मनाई जाती थी नजर की कुर्बानी ये जैसे कि बताया सिस्टर मारिया ने सिस्टर नुसरत ने कि उस दिन उनको शरीयत भी दी गई थी इसलिए यहूदी लोग जो हैं वो शरीयत के मिलने की उस खुशी में भी जो है वो ईद मनाते थे और उन पर यह फ़र्ज था कि वो सारी दुनिया से जो है वो ज़ायरीन इकट्ठे होते थे अपना रुश् में हकल में और वहाँ पर आकर ये सारे लोग ईद मनाते थे और ख़ासतौर तो पर शरीय के जो कवानी हैं उस दिन और तमाम दिनों में जब वो ईद मनाई जाती थी तो ये शरीय के जो कवानीन हैं उनको पढ़ते थे और उन पर गौर करते थे यानी उनके रेसीटेशन करते थे वो इसके अलावा मतलब यह है कि ये ईद जो है वो ये भी बताया सबने कि ये यूनानी लफ्स है उसके बाद जब हम नए हहितमा में आते हैं तो इसको पैंतीकों का नाम दिया गया क्योंकि ये यूनानी लफ्ज़ है और यूनानी लफ्ज़ का पैंतीकों का मतलब जो है वो पचासवाँ है लेकिन पुराने हहितामे में यहूदी जो हैं वो इसको शावू के नाम से जो है इस ईद को मनाते थे जिसका मतलब है कि फसल की कटाई का त्यौहार या हफ्तों का त्यौहार भी इसको कहा जाता था और यहाँ पर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि साल में दो बार जो है वो फसल की कटाई होती थी खुदा ने हुक्म दिया था कि साल के शुरू में और साल के आखिर में अब जब हमने पिछले दिनों बात की थी कि ईद फसल जो है वो तेईस मार्च से शुरू हो रही है मतलब इस तरह से तेईस मार्च से लेकर आगे तो ये जो ईद बन रही है वो मई के आखिर से लेकर जून के पहले हफ्ते तक ये ईद जो है वो बन रही है तो इसी तरह से जो है हम ईद पोस्त ज कब मनाते हैं हम ईस्टर के बाद पचासवें दिन हम भी जो है वो ईद पैतकोस्त का त्यौहार हाँ, नए अहदनामे में हम जो है इसको मनाते हैं और इसके अलावा इसमें यह बात है कि इसमें जो है वो ज़्यादातर यहूदी जो है दुनिया भर से यहूदी उसमें इकट्ठे होते हैं और अब हम नए अहदनामे में बात करते हैं कि नए अहदनामा में जो है ये ईद पैंती कोस्त जो है वो किस तरह से मनाई जाती है और उस दिन जो है वो एक बहुत बड़ा मजमा जो था और यूस्लिम की गलियाँ भरी हुई थी जिस दिन रोहल कुछ नाजिल हुआ था तो ये एक बड़ा ख़ास मौका था यहूदी उनके तारीख में और यहूदी त्योहारों में ये खास ईद है जिस पर वो इकट्ठे होते थे और हमारे लिए भी ये खास अहमियत की हामिल है तो अब हम ये बात करेंगे कि नए अहदनामा में जो है वो इसका क्या इसकी अहमियत है तो और इसको किस तरह से मनाया जाता है हमारे लिए ये क्यों इतना जरूरी है इसको सेलिब्रेट करना तो हम दो दो मिनट में जो है हम इस पर बात करेंगे तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में हम अपने जो है उसको पॉइंट ऑफ व्यू को हम जो है जी हम अपने अगले सवाल के जानी बढ़ते हैं सभी ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया uh, मैं आप सबको शुक्रगुजार गुजार हूँ तो आइएगा अब बढ़ते हैं कि नए अहद नमे में ईद पेंटिकोसकी की क्या अहमियत है मैं कहूंगा सबसे पहले पास्टर फयाज साहब से वो बयान करेंगे और इसके साथ बाकी चलिए चलिए फिर सिस्टर मारिया वो बयान करेंगे और फिर लास्ट में एंटी जी आपको मैं कहूंगा कि आप बयान करें थैंक यू पास्टर हुनो अभी हम देखते हैं जैसा कि इधिक कोर्स जो है ये अमाल की किताब उसके दो बाप यहाँ तो पर हम देखते हैं कि ये जो सिकर्द थे और ख़ास तौर पर पत्र और उसके साथ सब लोग जब जमा होते हैं और दुआ करते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उन पर वाजिल होता है बड़े जोर की आंधी आती है कमरा जो है गूंजने लगता है और लोग आग के शोले की तरह में बोलते हैं और जिस तरह सिंह ने बताया कि बहुत सारे जो यूदी लोग हैं वो तो यरूशलेम में जमा होते थे इस ईद को मनाने के लिए और उनका बहुत बड़ा क्राउड था और जब ये लोग गैर जबान बोलते हैं और जो लोग मुख्तलिफ इलाकों से जमा होते हैं जिनमें पारथी है मादी हैं, इलामी हैं, अरबी हैं, यहूदिया के लोग हैं पैंतुसूमिया के लोग हैं आसिया के लोग हैं सबको क्या होता है जब गैर जबान बोली जाती है तो हर को ये समझ लगती है कि वो मेरी जबान बोल रहे हैं और गलियों में हजूम लग जाता है जिस कमरा में जिस घर में वो दुआ कर रहे होते हैं इबादत कर रहे होते हैं जब गैर जबानी उन पर उतरती हैं जब खुदा का पाकर उतरता है तो लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि शायद इन्होंने कोई नशा पिया हुआ है और ये लोग ऐसे शोर कर रहे हैं ऊंची ऊंची बोल रहे हैं ऐसे पता नहीं क्या है लेकिन आप सब जानते हैं आप सब कलाम पढ़ने वाले लोग हैं खुदा के खादम है और पत्रस जो है कहता है ऐसी बात नहीं है ये नशा में नहीं है खुदा का पाकरू उतरा है और ये पाकरू में दुआ कर रहे हैं पाकरू गैर जबान बोल रहे हैं और तुम इनको ऐसे ना समझो बल्कि खुदा के पैगाम को खुदा के कलाम को समझो और खुदा ने ये बातें जो थी पुराने में भी फरमा दी थी कि आखिर वक्त में जब आखिर वक्त होगा जब आखिरी वक्त होगा आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा हमारे बेटे और बेटियां नबूत करेंगी हमारे बुढ़े खाब देखेंगे और ये वो ही सब कुछ हो रहा है ताकि वो लोग जो हैं इस बात को समझ सकें और हम देखते हैं कि अब भी हम देखते हैं कि अभी भी जीसस की जो आमद सानी है वो होने वाली है और हम सब इसके लिए तैयार हो रहे हैं और खुदा जो है वो हम सबको पाखरु से भरता है और ये जो मुकदस महफल है हम रोजों के में से भी गुजर रहे हैं हम जूम मीटिंग में इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ शहरों से और हम कभी कोई नेगेटिव या गलत बात नहीं कर रहे होते हम खुदा के कलाम की बात कर रहे होते हैं और यही खुदा का रूह है जब हम खुदा के कलाम को एक दूसरे का कर शेयर करते हैं उसकी बात करते हैं और उसका जो प्लान है का उसको आगे लेके बढ़ते हैं मैं कहता हूँ ये खुदा का पाकर काम करता है खुदा का काम हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि पहले भी के जब खुदा जस्ुमसी के जी उठने से लेके और पचासवें दिन तक जो है फिर ईद पैंती खुश होती है पाकलाम में जो जिक्र है उसके मुताबिक तो हमें जो है इसके लिए खुदा के आगे अपनी दरख्वास्त रखनी है अपने आप को खुदा के आगे झुकाना है खुदा के आगे झुकना है उसकी गुर्बत में ठहरना है दुआ में ठहरना है ताकि हम मजीद खुदा से जो है अपने रिलेशन को डेवलप कर सकें पाखरू को हासिल कर सकें टंग को हासिल कर सकें ताकि अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बन सकें जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि पत्रस के साथ एक जमायत थी जो दुआ कर रही थी और उन पर नाजल हुआ था और जब हिजकिया पहला चैप्टर पढ़ते हैं मैंने इसको समझने की कोशिश की है वहां पर भी हम ये चीजें देखते हैं आग है गर्ज है चमक है शोले हैं और खुदा जो है इसके से हम कलाम होता है और कहता है उठ और खुदा का कलाम उस पर नाजल होता है खुदा का रूस पर नाजल होता है ताकि वो नबूत करे ताकि लोग जो है उस नबूत को फॉलो कर सकें थैंक यू आप लोग शेयर करें मैं सुनूंगा और सीखूंगा आप सब से थैंक यू गॉड यू जी सिस्टर मारिया, आप बात करें जी जैसा कि पादरी साहब ने बताया माल की किताब ज बाद यहाँ पर पूरे हवाले में अगर हम देखें तो ईद पेंती को बारे में कि वो रोहल कदस नाजिल होता है आपके शोले किसी जुबाने दिखाई देती है सारे हवाले में मुख्तलिफ लोग जो वहा पर इकट्ठे हुए थे उनके बारे में है जो मुख्तिफ़ जगहों के रहने वाले थे उनके बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो मेन बात है कि रूहुल रोहल का नजूल जो है या नाजिल होना ईद पंती कोस का रोज उनका उसको मनाना ये रूहुल कुद्स का नजूल नए अहद का निशान है क्योंकि पुराने अहद में हमने पहले भी मतलब उसका बारे में पढ़ा है कि मूसा को जब खुदा ने अहद दिया था अहद बांधा था मूसा के साथ तो यहाँ पर हमें शरीयत की जगह क्योंकि वहां पर शरीयत का था शरीयत दी गई थी और नया मूसा के साथ खुदा ने अहद बांधा था लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीयत की जगह रूह को बख्श दिया गया है और मूसा कीहद की जगह युस मसीह और पाकरु के वसीले से एक नया अहद हमें अता कर दिया गया रूहुल से ये एक नया अहद और खुदा की का यहां पर मतलब शुरू हमें नजर आता है शुरू हो चुकी है इसके बारे में हमें यहाँ पर नजर आता है पुराने नामे में जितने भी वादे थे इसके किताब में युसा की किताब में यूएल की किताब में यहाँ पर जितने भी वादे किए गए थे वो हमें यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आते हैं क्योंकि वहां पर पुराने में मुखलिफ रसूमाती रसमाती थी जैसे मतलब एक रसूमाती दूसरी जिसमें तरह के वो मतलब शरीय की बातें करते थे कि मतलब आ, मकान कैसे बनाने हैं बालों का कैसे स्टाइल होना दाढ़ी किस तरह की होनी चाहिए जो यूदियों के अंदर राइज था कवानी थे उनके फिर तीसरी शरीय जो थी वो अखराकी शरीत भी थी जिसका ताल्लुक दस अहकाम से था गलतियों के खत में अगर छह बाप की दूसरी देखा, देखा जाए तो वहां पर लिखा है कि हम मूसा की शरीयत के पाबंद नहीं बल्कि मसीह की शरीयत के पवाल है नजात जो है मूसा की शरीयत के वसीले से नहीं बल्कि युसु मसीह के नाम पर ईमान लाने के वसीले से हमें निजात मिलती है तो यहाँ पर हमें वो सारे अहकाम जो खुदावन ने पुराने में हमें दिए तो पहले चुके खुदा ने मिसर मिसरी कौम जो न, न, मिसर से खुदा ने इसराइल को निकाला फिर कोहे सिना पर उनको शरीय दी लेकिन आज खुदा पहले हमें ईमान के वसीले से फजल की बदौलत निजात देता है फिर वो रूह रुकी से इखलाक की जो शरीयत है जो हमारे अंदर जिन्हें हमें हमें उन पर अमल करना है वो उस पर अमल करने की तोीक देता है तो पुराने नामे में चूंकि वो हमने पहले भी इसके बारे में जाना के पुराने में ये जो थी कुछ था जो खुदा की हजूरी जो थी वो मुख्तलिफ खास लोगों पर वो होती थी जिनको रुप, पाक पाकू बख्शा जाता था वो काहिन थे नबी थे बादशाह थे लेकिन यहाँ पर हम इस हवाले में जो पढ़ते हैं अमाल की किताब में तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि रोहल जो है वो ईद पैंती कोस के दिन ये सारे उन तमाम लोगों को बादशाह कोई काहिन ये खास लोग ही नहीं है बल्कि जो, जो भी उस पर ईमान लाता है जो भी खुदात पर ईमान लाता है ये उसके लिए दस्तियाब है ये मुस्तकिल तौर पर आ गई है ना के सरसरी या थोड़े टाइम के लिए तो आग के शोला किसी जुबानों के बारे में भी हमें यहाँ पर नजर आता है कि वो रुहल कुछ के बारे में अगर पैदाइश की किताब पहले बाद में हमें पर देखे। तो रूह के बारे में जिक्र मिलता है कि रूह जो है वो आंधी या खुदा की हवा या खुदा के दम के बारे में यहाँ पर बात की गई है और हिस्कील की किताब में भी हम सैतीसवें बाद में पढ़ते हैं वहां पर भी जब सूखी हड्डियों पर खुदावन का रूहल कुदसाया रूह आया तो जीती जान हो गई हो गई तो तो खुदा की हुजूरी का हमें यहाँ पर निशान यहाँ पर नजर आता है वही जो खरूज अः खुरूज, खुरूज बाब में हम देखते हैं कि वहां पर खुदा की हुजूरी कोहे सिना पर भी हमें नजर आती है बियाबान में भी इसराइल के साथ खुदा की हुजूरी थी आग के स्तून की शक्ल में फिर आज जो है यहाँ इस हवाले में हम पढ़ते हैं कि आज पाखरू की सूरत में खुदा की हुजूरी जो है कलेसिया को मिल गई है तो खुदा की हजूरी चूंकि आम आ, अगर हम आ, देखें तो दो किस्में हैं खुदा की हुजूरी की तो एक तो जो आम हुजूरी है जैसे कि जिसे हम ओमनी प्रेजेंस भी कहते हैं यानी कि खुदा जमीनों आसमान पर हर जगह मौजूद है लेकिन यहाँ पर जो हुजूरी खुदा की खास हुजूरी के बारे में जिक्र है कि खुदा जो है वो ये खास हुजूरी पाकरू के से मिली ये जिसका कोस्ट पर हुआ और इसकी बुनियाद जो है मसीह पर ईमान लाने और उसको शख्सी तौर पर अः कबूल करने के बारे में हमें यहाँ पर नजर आता है फिर रूढ़ कुछ नाजिल हुआ और वादा भी है कि तुम कुत पाओगे तो यहाँ पर हमें एक खुदा की हजूरी का यहाँ पर एक बपतिस्मा भी खुदा की हजूरी का नजर आता है क्योंकि अमाल पहले बाप के में आयत में अगर हम देखें तो वहां पर खुदा लिखा गुण। है क्योंकि युहना ने पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुछ से बपतिस्मा पाओगे तो रूहुल कुछ का जो बपतिस्मा है ये खुदा की हजूरी का बपतिस्मा है खुदा की हजूरी में डूबने का तो यहाँ पर जब 120 की जमात पर रुहुल कुछ नाजिल हुआ आया तो उनको रोहल का बपतिसमा मिला तो हमें यहाँ पर ये नजर आता है कि खुदा ने जो पुराना अहद था उसको पुराने एहद, नया नयाद यहाँ पर हमें नजर आता है खुदा ने जो मूसा के साथ किया था लेकिन रुहुल रोहल का नाजिल होना यहाँ पर खुदा के नए अहद का निशान जाहिर करता है तो अः खुदा की शुक्र गुजारी हो इस नए अहद के लिए रुहुल कुछ के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं थैंक यू <coughs> जी सिस्टर नुसरत आप बताए जैसे फ्याज भाई हैज ही डिड एक्सप्लेन अबाउट द होली स्पिरिट पोरिंग स्पिरिट ऑफ द होली स्पिरिट ऑन द न्यू द ऑन द फीस्ट द फीस्ट ऑफ द पेंटिकोस्ट And Maria explained well that you know, with the God, on the, the in the Hebrews, uh, God was creating His nation onto the earth. So God given a birth to the nation of Israel, and it's also um, when we look, and also it's like a departure from the Egypt to the Promised Land. God given them a, so God created the nations of Israel. He given them a Torah, which is the, which is the new the, the covenant. God made the covenant to be his uh, nations onto the earth for his kingdom. And then, uh, then when they departure from their beginning from the feast, uh, from feast of uh, Passover to towards the, um, the Pentecost representation of the departure from the Egypt to the Canaan, so do on the feast of the Pentecost after Jesus ascension in his 10 days ascension in heaven, he sent his own spirit onto the people that Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ, He poured down His Spirit, which is a God Himself, poured down His Spirit onto the disciple for His major plan, because nation of Israel was actually the symbolic uh, work was doing for God. They were commemorating those feasts for in order to. Bring the major plan of the God to bring whole nation for the salvation, entire mankind for the the, the for their uh, the plan was the salvation to reconcile with them. So so do God, so God uh, after God like from he transferred from the old covenant with the new covenant on to the feast of the Pentecost. Uh, to to have a fellowship with the, every single person that's why nowadays in those days you know the holy spirit was god was pouring spirit on the selected people but now it's available for everybody for everybody for um through the lord jesus christ so um this is this is so we can uh, so the kingdom of god uh, was already on the road but now for, for the holy spirit when we have the holy spirit then we enter into the kingdom of heaven because god plan was us to from the garden eden um, you know we it was like we were separated from the spirit of god but the god plan was to bring everybody into the same spirit to bring them back into the heaven so when we have the holy spirit pouring upon to us you know then we enter into the kingdom of heaven heaven mean like a, there is no sickness and diseases that's how through the kingdom of heaven there's a miracle takes place so god poured on onto that day exact day he given the new uh, birth of the new covenant birth of the new nation which is the Christian the father of Christ it was it happened on the same day on the same anniversary day which is the uh, the Jewish was celebrating for past thousand years so on the feast uh, the, the, the the day of the Pentecost God poured on his Holy Spirit because God started from the Jerusalem started from the um, uh, his covenant started for the new, uh, started into the new land because on the way in the 40 years, God was preparing them get 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 into the get into the promised land. So promised land, which is the Can, the land of the holy holy land. So through that land, God created a big nation, which was the Christianity. So the birth of the Christianity was happened onto the feast of Pentecost when the Holy Spirit was. Down upon to the disciple, and from there God created His holy nations onto the major plan. The first, first, the, the first, like the first, which was the first uh, Torah. Got, when God, it was like a few, like a few thousand. Israel was a nation, but where, there was a few thousand. But now. The God that the God finished his plan from started from the Egypt to the Canaan, which is from Garden Eden. He started from the Garden Eden, he brought us back into the heaven through the Lord Jesus Christ by pouring down his spirit. So that is the significance for the New Testament uh, in the New Testament for me, pouring out his own only own spirit. So now everybody is through the Holy Spirit. We can see, you know, so many miracles happen. So that's representation of the kingdom of heaven. Um, kingdom of God is like a, we we celebrate, we worship the one God. And the kingdom of heaven, there's a different. I'm, I'm not sure there's so much different about it, but there's different. Is the kingdom of heaven? And Jesus said, the kingdom of heaven is at hand. So kingdom of heaven is uh, reached to you guys. So how it's reached to us? Through the Holy Spirit. So when we have the Holy Spirit, we see the miracles, we see the, you know, people are healing supernaturally. So that is the representation of the kingdom of heaven. So God kingdom have God kingdom was started into the heaven. So he wanted to bring the heaven down onto the earth. So so do that exact day Jesus Christ brought the kingdom of heaven onto the earth. So it is upon to us. We cannot get it unless we believe unto the Lord Jesus Christ, and through Him we can enter into the kingdom of heaven. We enter into the kingdom of God. So this is for what Holy Spirit was given me the revelation for this. Thank you, Maria. Thank you, Brother Fiaz. God bless you all. Okay, Sister Nisreen, it's your turn. Um, gee, Um. सब ने बहुत अच्छी बात की ईद पैंतीकोस्त का जो नाम है वो नए अहदनामा में हम देखते हैं और नए अहदनामा में हम ईद मनाते हैं <coughs> और ये ईद पैंतीकोस्त इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है यहूदी उस फसल की कटाई के त्योहार को मनाने के लिए जो है वो पूरी दुनिया से जो लोग थे वहां पर मौजूद थे और बेशक वो अब वो दूसरी कौमें कहलाने लग गए थे उनके नाम मुख्तलिफ रख दिए गए थे जैसे कि भाई फयाज ने उन सारी मों के नाम पड़े हैं मुख्तफ इलाकों से आई थी इसलिए उन इलाकों के नाम के मुताबिक उनके नाम रख दिए गए थे लेकिन वो यहूदी थे तो इस से जो ईद का दिन है हम सब ये जानते हैं कि उस दिन एक सौ बीस की जमायत थी जब जो है उन पर जो है ये पाखरू का नज्जुल हुआ था तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हमारे उसके दो बब उसकी पहली चार आयात हम पढ़ते हैं कि जब ईद पैंतीकोस के दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सनाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबाने दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठ ठहरी और वह सब रूहलकुद से भर गए और गैर जुबान बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाखरों का नजूल जो है ये खास इवेंट है हम क्रिश्चन के लिए हम मसीहियों के लिए जो है ये बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि इस दिन जो है हमारे खुदाम मसीह ने जिसका वादा किया था खुदाम यीशु मसीह ने योहाना चौदह बाब में यह वादा किया था कि मैं जब जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा तो ये तो खुदा यूसुम सि ने अपने वादे को पूरा किया दूसरा जो योल नबी के अः सहीफा में जो है वो इसके बारे में जो पेशन गोई की गई थी वो इस दिन को वो बात पूरी हुई कि जो मैं अपनी रूह जो है हर बशर में से मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबोद करेंगी और इस तरह से ये सारी चीजें जो हैं हम ये जानते हैं और हम इस पेशन गोई से भी वाकिफ हैं कि किस तरह से खुदा ने पेशन गोई की थी और ये जो पेशन गोई थी वो ईद पैंतकोस्त के दिन पूरी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलीसिया का जन्म जो है वो इस दिन हुआ और उसी दिन तीन हजार जो लोग थे वो ईमानदार लोग बन गए वो ईमानदारों की जमात बन गई और वो कलीसिया का आगाज हो गया और इसके साथ साथ दूसरी बात जो खास अहमियत की हामिल है वो ये है कि यहाँ ईद पैंत को गैर कौमों के लिए जो है वो भी नजात का दरवाज़ा खुल गया वो किस तरह से खुल गया वो शरीयत पर अमल करने से नहीं हुआ था यहूदी शरीयत को मानने से नहीं हुआ था जैसे कि हमने पीछे बात की है कि यहूदी लोग जो है इस दिन जो है वो शरीयत के मिलने की भी ईद मनाते थे यानी उसको भी याद करते थे और अपनी शरीयत के बहुत जो कवानीन थे या जो उनके हवाला ज्यादा थे वो उसको उस दिन खास रिसाइड करते थे और उनको पढ़ते थे इस ईद के दिनों में तो लेकिन यहाँ पर जो गैर कौमों के लिए नजात का दरवाज़ा खुला वो खुदा यशु मसीह पर ईमान और तोबा के वसीले से जो है वो गैर कौमों पर नजात का दरवाज़ा खुला यानी जो नजात थी वो सब के लिए आम हो गई और रोल कुछ का नजूल भी सब के लिए हो गया और ये थोड़ी मुदत के लिए नहीं था बल्कि ये फॉर एवर है और आज भी हम सब के साथ है और हम सब जानते हैं कि आज जो है वो रोहल कुछ का दौर है और रोहल कुछ जो है वो अपना काम कर रहा है इसलिए हम मसीही लोगों के लिए भी ये ईद जो है खास अहमियत के हामिल है और हमें इसको हम इसको मनाते हैं और आज जैसे हमने बताया कि ईस्टर के बाद जो है इसको मनाया जाता है इसको सातवें संडे को मनाया जाता है यानी वही वो पचास दिन बन जाते हैं ईस्टर के बाद तो उसके जो है ये का दिन मनाया जाता है और जैसे कि नबी का हम पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढे ख्वाब देखेंगे बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूम में से डालूंगा और वो नबूत करेंगी और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और जमीन पर नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा इसके बेश खुदावन का अजीम और जलील दिल आए और यू होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा तो मेरे जिजो नजात जो थी वो उसका दरवाजा सबके लिए खुल गया और हम सब के लिए नजात जो थी उसको हासिल करना आसान हो गया ख़ुदा यीशु मसीह के वसीले से और गैर कौमें भी उस मरास में शामिल होती हैं जिसका वादा बाप इब्राहिम से किया गया था और वो भी खुदा यीशु मसीह के वसीले से ईमान और तोबा के ज़रिए से जो है वो अकली से हमें शामिल होते हैं ईमान और तोबा जो है उसकी लाजमी शर्त है जो ईमानदारों की जवायत में शामिल होने के लिए है कलीसिया में शामिल होने के लिए है खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बनने के लिए है और रास्तबाजी को हासिल करने के लिए है ये शर्त जो है उसको पूरा करना सबके लिए ज़रूरी है और ये दिन और यह दिन हमारे लिए हम सब के लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है तो खुदा आप सबको बरकत दे बहुत अच्छा सबने बोला खुदा उन आप सब को इस कलाम के वसीले से और ज़्यादा कसर से खुदा का रूह और अपनी हिकमत जो है हम सब पर ऊंडे क्योंकि खुदा की हिकमत ही सब कुछ है बाकी तो सब है खुदा में आप सबकी सलामती हो आपकी भी सलामती हो अब हम भाई फयाज के साथ मिलकर दुआ करेंगे फिर उसके बाद हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और फिर हम जी, एक मिनट के लिए एक दो बातें कर लू जी जी आप कर लें थैंक यू ये जो है आप सब जानते हैं जस्ट रिमाइंडर के तौर पर ये ताकि चलो तो थोड़ा सा दोबारा इसको याद कर सकें अमाल की किताब में पहले चैप्टर में हम देखते हैं हम फिर आज अभी भी इस वक्त भी देखें कि जब 40 दिन के बाद सी जिंदा आसमान पर ठाए जाते हैं तो जहर शिगिरद उस वक्त थोड़ा सा परेशान हुए थे और पूछते थे कि खुदावंद कैसे होगा तेरा दोबारा आना कैसे होगा तो वहां पर खुदा ने बताता है कि योना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया तुम रूल कुछ पाओगे तुम्हें कुत दी जाएगी और फिर ये सारी बातों को हम देख देखते हैं तो यहाँ पर पाकला में लिखा है कि थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको यहाँ पर जो है इसकी छठी आयत से भी पास उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा गया खुदावंद क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाह फिर अदा करेगा जब हम किंगडम ऑफ गॉड किंगडम ऑफ़ जीसस की बात करते हैं तो उस वक्त गिरदों का भी सवाल था और फिर वो जो है, जब उन्हें चालीस दिन दिखाई देता रहा जिंदा होने के बाद चालीस दिन बहुत सारे लोगों को दिखाई देता रहा उनसे हम कलाम होता रहा तो खुदा कहता है कि इन वक्तों और म्यादों का जानना बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं लेकिन जब रूल कुछ तुम पर नाजल होगा तो तुम कवत पाओगे और जरूशलम और तमाम शहद्रिया और यूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की था तक मेरे गवाह हो गए और फिर देखते देखते जो जाते हैं और पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे आए गलीली मर्द तो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो यही यसु जो तुम्हारे पास है आसमान पर ठाएगा इस तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने आसमान उसे जाते देखा है और फिर हम देखते हैं जो सुमसी के शिगिर्द है और एक सौ बीस लोगों की जमात है जो खुदाम के झुकती है दुआ करती है और परेशानी में दुआ करती है थोड़ा सा तो फिर जो है का पाक उन पर नाजिल होता है और आप सब ने बहुत अच्छा बयान किया जिस तरह मारिया ने भी कहा कि उस दिन नए लोग जमात में शामिल होते थे और फिर हम देखते हैं कि इस चैप्टर के एंड पे जाके देखते हैं कि तीन हजार लोग जो है जमात में शामिल है इस तरीके से हम थोड़ा सा थोड़ा सा मैंने याद हानी के लिए बात की है सब नहीं, नहीं। खादम है। आप सब खुदा के खादिम हैं आप लोग पढ़ते हैं और जानते हैं सारी बातों को थोड़ा सा ऐसे ऐड कर दिया थैंक यू अच्छा मैं थोड़ा सा मैं भी एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे कुछ क्रिश्चियंस ब्रदर्स जो है ना उनको इतना नहीं मे भी अब सबको पता हो लेकिन जैसे फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट पे होली स्पिरिट आया था तो चर्च की जो पैदाइश थी वो जरूसलम में हुई थी जरूसलम में ही सब कुछ शुरू किया खुदावन ने अपना होली प्लान जितने थे पूरी तो उसने जरूसलम में ही शुरू किया और उसने जरूसलम में ही खत्म करना है और उसने आना भी वापस जरूसलम में तो बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई ये समझते हैं कि शायद पहली सेंचुरी में जो ना चर्च रोम से पैदा हुआ था वो एक रिलीज जो था ना वो मतलब उन्होंने रिकगनाइज किया था क्रिश्चियनिटी का वरना क्रिशन क्रिश्चियनिटी uh, की बर्थ और चर्च की बर्थ जो हुई थी वो में ईद पैंतीकोस इसी दिन पे हुई थी हजार साल बाद जब खुदा ने उनको मतलब नेशन uh, बनाया था और उनको वापस इस uh, लैंड में लेकर आया था तो उसके हजार साल बाद शरीत देने के बाद खुदा ने नया का चुना दिया था हमें के अः uh, के वसीला से नजात के लिए पूरी दुनिया के लिए तो मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहती थी थैंक यू सिस्टर नसरीन गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू फास्टर कुमार तो हमारे साथ हैं लेकिन शायद उनका माइक ऑन नहीं है भाई अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप बोल सकते हैं उनका माइक शायद शायद उनके सिग्नल सही नहीं है तो इसलिए वो उनका कनेक्ट नहीं हो रहा वो बार बार कनेक्ट कर दुआ करें जी जी दुआ करें आए हम अपनी आंखों को बंद करें खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल जसूसी नासी हम आज शाम तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे प्यारे कलाम के लिए जिंदा कलाम के लिए और बेश बहा कीमती कलाम के लिए कलाम जो तूने अपने खादमों के वसीले से अपने बंदे बंदियों के वसीले से तूने

भाई जो है हमें बख्शे कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें एक दूसरे के साथ कलाम सीख सकें कलाम शेयर कर सकें सुनासी हम आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाखरु के लिए खजान सी नाशरी तो हम सबको अपने पाखरु से भर दे हम सब के खानदानों को खानदानों में फराद जितने हैं यस् और हमारे मुल्कों शहरों को जहां जहां हम रहते हैं खजान जस्सुनाशरी तेरा पाखरू अपने घेरे में ले ले जिस तरह तूने अपनी उम्मत इसराइल को अपने रूल कुछ के घेरे में लिया है जिस तरह तूने शहर जरूसलम को पहाड़ों से घेरा है तो इसी तरह हम में से एक में से को अपने घेरे ले, ले, ले और तेरे पाखुर की बरकत हम पर नाजल होती रहे हम अपने उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं यस्ु देख दाउन उन लोगों के लिए तेरी बंदी सादा के लिए जिस पर बहुत ज्यादा कर्जा है खुदा सब मिलकर मुत्फिक होकर सारे खादम मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं यस्ुनाशिरी उसकी कर्ज में से जान बचा यस्सुनासी उसकी कर्ज से जान छड़ा उसका कर्ज उतर जाए तो अपने अजीब इंतजाम के जरिए खुदा उनकी मदद कर उनको मुहैया कर तो यह हवा जरी है मुहैया करने वाला खुदा है इस तरह यस्नासी जो भाई नईम कैंसर का मरीज है हम उसके लिए भी मिलकर दुआ करते हैं यस्ुनासी उसका कैंसर यस्ुनासी के नाम से दूर हो उसकी ज़िंदगी में मुआवजा कर और खुदा शिफा को जारी कर ये सुनासी इस तरह से की बेटी शीला के लिए हम खुदा बाप बेटे को उसकी बरकत देता हूँ मेडिकल का, का मेडिकल कॉलेज में जो दाखला ये सुनासी जहाँ वो चाहते हैं जहां उसके माँ बाप चाहते हैं जहाँ बेटी चाहती है वहीं पर हो जाए ये सुनासी तो आपने आसमान को खोल कर हमारी दुआओं को सुना यह सुनासी मैं अपने बेटे फात फ के लिए जिसके फाइनल ईयर के एग्जाम है डेंटिस्ट डॉक्टर है ये सुनाशि मैं अपने इन भाइयों के साथ मिलकर इन अपनी बहनों के साथ मिलकर खुदा अपनी दर को तेरी हजूरी में रखता हूँ ये सुनाशी तो मेरे बेटे को खुदा अच्छे नंबरों से कामयाब करना उसे कोई रुकावट ना आए उसके सारे इम्तहान को क्लासरूम को एग्जामिनेशन रूम को खुदा तेरे पाकरू का मसा देते हैं यसु सुनाशि तेरा पाकरू का मसा हम सब पर हो जाए यसु सुनाशी खुदा बा के लिए और जितने हमारे भाई हैं बहने हैं उनकी सेहत के लिए तंदरुस्ती के लिए उम्र की दराजी मांगता दराजी देना अपने बच्चों के बच्चे देखें और जिन बेटियों के रिश्तों में रुकावट है यसुनास्री। अपने उनकी रुकावटों को खुदा दूर कर देनाशरी उनको अच्छे जीवन साथी मिले बेटों को बेटियों को खुदा और खुदान तू बरकर दे उनके माँ बाप को खुदा रहनमई दे ताकि उन्हें बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते देकर उनकी शादियां करें यस्नासरी और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले मैं अपने तमाम बहन भाई के लिए जो बेरोजगार बरकत की दुआ देता तुमको तो रोजगार मुहैया कर और ऐसे बे पास औलाद नहीं है यस्नासरी बाप बेटे रूल उसकी बरकत हो उनके यहाँ औलाद हो और सारा इज्जत सारा ऑनर यस्ु नाशिरी के नाम को मिले यस्ुनासी हम घटे और तू भड़े तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए एखान तुम्हारी जिंदगी में जलाली काम कर ये सुनासी फतेह से भट कर गलबा देनासी अपनी कुदरत तू हम हम पर अंडेल दे ये इस बना दे इस लायक बना कि हम दूसरों के लिए बरकत की दुआ कर सकें और लोग इस दवा के वसीला से, से बरकत को हासिल कर सके ये सुनासी खुदान आज का कलाम सुनना और सुनाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो और हमारी जिंदगियों में सौ गुना फल ये सुनासी तुम्हारे तमाम अन दुआओं को जो हमारे दिलों में है तो दूर नजदीक का खुदा है तू हर जगह तेरा पाक रू काम करता है तू हमारी दुआओं को हमारी ख्वाहिशत को यस्सु के नाम से सुन खुदा अपनी बरकत को डेल उसी यस्सु के नाम से आमीन आमीन, आमीन।, आमीन। अब हम सब खुदा की सीखा हुई दुआ में शरीक होंगे आये हमारे बाप पूजा आसमान तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बात तेरी मर्जी जिससे आसमान उठती है, ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ रोज करती हैं। जिस पर मुझे अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कार्ड में बख्श, हमें आज भाई बल्कि मैं ब्राइट से बचा, इनके बाद शहर, खुदा तो जलाल हमेशा से तो चले हैं। Amen. No, we pray for peace of system. May there be peace in the palace. May there be peace in wall. Lord Jesus Christ. We know that you're returning back to Jerusalem. We pray for blessing, protection, salvation for the nation of Israel as you continue from their spiritual eye. So they can recognize you, their savior, their messiah, their God. For your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. Amen. Uh, खुदा बाप खुदा बेचे और खुदाए रोहल कुछ के नाम में आमीन